ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल और 89.45 मीटर भाला फेंककर नीरज ने जीता है सिल्वर। लगातार दूसरे ओलंपिक में नीरज को मेडल मिला है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल, पेरिस ओलंपिक में भारत को ये 5वां मेडल। तो नीरज ने सिल्वर मेडल जीत लिया है, 89.45 मीटर भाला फेंककर नीरज ने यह सिल्वर जीता है। लगातार ये उनका दूसरा ओलंपिक जब उन्होंने मेडल पर कब्जा जमाया है, और इसके पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार नीरज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इस तरह से भारत को एक और मेडल मिला है। और कल अगर देखा जाए तो कल का दिन काफी अच्छा रहा भारत के लिहाज से, हॉकी और उसके बाद इस पर्सनल इंडिविजुअल इवेंट में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो भारत के लिए अच्छी खबर है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है और 89.45 मीटर भाला फेंककर नीरज ने यह सिल्वर जीता है। लगातार दूसरा मेडल है उनका यह ओलंपिक। यूक्रेन ने F-16 से हमले शुरू कर दिए हैं। खेरसोन में देखे गए F-16 लड़ाकू विमान, रूस के कुर्स्क में F-16 से हमले का शक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है जानकारी। फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ। बीते 30 महीनों की जंग में कभी रूस की सेना का दबदबा बढ़ा तो कभी यूक्रेनी फौज हावी नजर आई, मगर 30 महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पुतिन तो छोड़िए पूरी दुनिया ने नहीं की थी। दरअसल 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोला और महज 24 घंटे के भीतर कुर्स्क के 10 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचा। और दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन से रूसी सेना में खलबली मच गई। 50 से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेनी फौज के आगे सरेंडर तक कर दिया, मगर यूक्रेन के कुर्स्क में प्रवेश से एटमी विनाश का खतरा पड़ चुका है और उसकी वजह है कुर्स्क में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट, जहां किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर दस्तक दी। जंग के 30 महीनों बाद पश्चिमी रूस के 350 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया। जंग के 30 महीनों बाद ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के आगे पुतिन के लड़ाकों ने सरेंडर किया। पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत से सामने आई ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि जिस रूस को महाशक्ति अमेरिका तक डिगा नहीं पाया, उसी रूस की शक्तिशाली फौज को यूक्रेन ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहली बार रूसी सेना के जवानों ने यूक्रेनी ब्रिगेड के आगे सरेंडर किया। पहले घुटनों के बल बैठे और फिर जमीन पर दंडवत दिखाई दे रहे ये जवान रूसी सेना के हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। आपको बता दें कि 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना के 1000 कमांडो दाखिल हुए। दावा है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के 50 जवानों को बंधक बनाया, कुर्स्क में मौजूद रूसी मिलिट्री बेस और हथियार डिपो पर कब्जा किया। हालांकि रूस की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए। मतलब ये कि 30 महीनों की जंग में जो अब तक नहीं हुआ, उसे 48 घंटे पहले यूक्रेनी सेना ने अंजाम दिया। वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। यकीन मानिए, यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन में सनसनी मच गई। प्रेसिडेंट पुतिन को सेना प्रमुख के साथ आपात बैठक तक करनी पड़ी।
जिस वक्त रूसी सेना प्रमुख पुतिन को कुर्स्क हमले के बारे में बता रहे थे, उसे सुनकर पुतिन की आंखों में खून सवार हो रहा था, क्योंकि पहली बार यूक्रेन ने रूस के घर में घुसकर हमला किया, पहली बार पुतिन की फौज को सरेंडर करने पर मजबूर किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी फौज ने रूस के सुरक्षा कवच को कैसे भेदा, आखिर कैसे जेलेंस्की की फौज पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में दाखिल हुई और कैसे बीते 48 घंटों से कुर्स्क का कोना कोना यूक्रेन प्रहार से थर्रा रहा है। और 48 घंटे पहले यूक्रेन की सेना ने पहली बार रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन आर्म फोर्स के करीब 1000 स्पेशल कमांडो 6 अगस्त की रात पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में सूमी बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए और महज 24 घंटे के भीतर यूक्रेनी ब्रिगेड फ्रंट लाइन से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची, कुर्स्क के इलाकों में जा पहुंची। और यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि कुर्स्क के करीब 350 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, कुर्स्क प्रांत के सुजदा कस्बे में मौजूद गैस प्लांट पर भी जेलेंस्की की सेना ने यूक्रेनी फौज का ध्वज लहरा दिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुर्स्क के इलाकों में लगातार यूक्रेनी फौज हमले कर रही है और रॉकेट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों से प्रहार कर रही है। आपको बता दें कि कुर्स्क के जिस इलाके में यूक्रेनी फौज फिलहाल मौजूद है, उससे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर कोर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कुर्स्क का कोर्चातोव परमाणु प्लांट किसी भी वक्त यूक्रेनी हमले की चपेट में आ सकता है, जिससे बड़ी तबाही मचना तय है। जैसे ही यूक्रेनी फौज कुर्स्क में 10 किलोमीटर तक दाखिल हुई, फौरन पुतिन ने चेचन लड़ाकों को मिशन कुर्स्क में झोंक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सूमी रीजन पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए, ताकि यूक्रेन की बाकी फौज सूमी के रास्ते कुर्स्क में दाखिल ना हो सके। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज लगातार कुर्स्क में मौजूद कुर्चातोव प्लांट की तरफ बढ़ रही है। लगातार कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रॉकेट और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं और अगर यूक्रेन का बारूदी प्रहार इस कदर जारी रहा तो फिर रूस का धरती पर एटमी भूचाल लाना तय है। यूक्रेनी हमलों से पहले एटमी प्लांट से रूस, यूक्रेन, यहां तक कि यूरोप में एटमी सर्वनाश मचना तय है। क्योंकि अगर कुर्स्क के इस परमाणु प्लांट पर एक भी धमाका हुआ तो फिर कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एटमी प्लांट के बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाके ब्लैकआउट हो गए। कुर्चातोव प्लांट से ही परमाणु ईंधन बाकी प्लांट में भेजे जाते हैं। अगर यूक्रेनी हमले की चपेट में एटमी प्लांट के रिएक्टर आए तो परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन फैलने लगेगा। जो रूस को तो अपनी चपेट में लेगा ही, साथ ही साथ आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन और यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगेगा। एक तरफ यूक्रेनी फौज ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल से विनाशक तबाही लाने का प्लान तैयार किया है, वहीं दूसरी तरफ रूस में इस बात की मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द रूसी डिफेंस कुर्स्क को खाली करा ले, वहां मौजूद लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दे और फिर कुर्स्क के एटमी प्लांट में विस्फोट कर दे, ताकि परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन यूक्रेन में ही तबाही मचाए।
मतलब ये कि अब यूक्रेन और रूस दोनों के टारगेट पर कोर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर किसी भी मुल्क ने इस पर हमला किया, अगर एटमी प्लांट में एक भी विस्फोट हुआ, अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा, तो फिर 38 साल पहले जो तबाही चेर्नोबिल में हुई उससे भी भयावह मंजर पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में होगा। परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन, लीक हुई हाइड्रोजन गैस अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार देगी। भीषण नरसंहार होगा और इस तबाही का दायरा रूस से लेकर यूरोप तक भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी, रूस के हमले से दहली यूक्रेनी सेना, हमले में यूक्रेनी फाइटिंग व्हीकल्स भी तबाह, रूस के हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन क्रीमिया पर आखिरी प्रहार की तैयारी में है। यूक्रेन का आखिरी प्रहार इतना विध्वंसक हो सकता है जिससे रूस के हाथ से क्रीमिया निकल जाए और यूक्रेन क्रीमिया फतह कर ले। यूक्रेन का मंसूबा हवा हवाई नहीं है, इसके लिए उसने समंदर और आसमान से हमले का प्लान बनाया है। समंदर में सी ड्रोन रूसी फ्लीट को तबाह करेगा, जबकि आसमान से F-16 एयर स्ट्राइक करके ज़ेलेंस्की अपना सपना पूरा करेंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस ने क्रीमिया को अभेद्य किले में बदल दिया है, जिससे काले सागर में बारूदी घमासान होना तय माना जा रहा है। अब यूक्रेन कभी भी क्रीमिया पर हमला कर सकता है। कभी भी क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। किसी भी वक्त रूसी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि क्रीमिया के पास ऐसा विध्वंसक हथियार आ चुका है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की सबसे पहले क्रीमिया को टारगेट करने वाले हैं। यानी अब कर्च ब्रिज पूरी तरह तबाह हो सकता है। सेवस्तोपोल पोर्ट का नामो निशान मिट सकता है। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर खड़े वॉरशिप बर्बाद हो सकते हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन कभी भी कब्जा कर सकता है। और ये सब कुछ मुमकिन होगा सुपर फाइटर जेट F-16 की वजह से। क्योंकि यूक्रेन को नीदरलैंड्स और डेनमार्क से F-16 की 2 यूनिट मिल चुकी है। वॉर ट्रायल भी पूरा हो चुका है, अब बस बारी है रूस में कोहराम मचाने की। इसलिए क्रीमिया को पहला टारगेट बनाया गया है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बोदानोव के 2 बयान इसकी तस्दीक करते हैं। एक दिन पहले बोदानोव ने कहा, डॉनबास के मुकाबले क्रीमिया जीतना बेहद आसान है। जबकि 2 दिन पहले बोदानोव ने कहा था कि यूक्रेन कभी भी कर्च ब्रिज को तबाह कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से कभी भी इस तरह के बयान सामने नहीं आए, लेकिन F-16 पहुंचते ही ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। F-16 मिलने पर ज़ेलेंस्की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो रूस से युद्ध जीत जाएंगे। यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जे का ब्लूप्रिंट बना लिया है, इसके लिए F-16 से आक्रमण की तैयारी है। दरअसल यूक्रेन रूस को ब्लैक सी में उलझाकर क्रीमिया पर ध्वज फहराने का ख्वाब देख रहा है।
इसके लिए वो कर्ज ब्रिज को तोड़कर क्रीमिया की सप्लाई लाइन खत्म करना चाहता है। इसी दौरान सी ड्रोन से सेवेस्तोपोल और नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमला किया जाएगा, जबकि ओडेसा से शॉर्ट रेंज मिसाइल ब्लैक सी में मौजूद रूसी फ्लाइट पर दागी जाएंगी। जब रूस इन हमलों में उलझ जाएगा, उसी वक्त यूक्रेनी एयरबेस से F-16 उड़ान भरेंगे और कुछ मिनटों में क्रीमिया के सैन्य ठिकाने नष्ट कर देंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने ब्लैक सी में ऑपरेशन तेज कर दिया है। आधी रात में क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी बोट बढ़े और ब्लैक सी में मौजूद फ्लीट पर हमले किए। ये उसी का वीडियो है। इस दौरान तेंद्रीविस्का कोसा आइलैंड पर भी बमबारी की गई, जहां रूसी ऑयल रिफाइनरी इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए गए। इसके अलावा डॉनबास तक हथियार लेकर जा रही ट्रेन को यूक्रेन ने ड्रोन से उड़ा दिया। ये हथियार डॉनबास से क्रीमिया जाने थे, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने तबाही मचा दी। ब्लैक सी में यूक्रेन ने बहुत खास तैनाती की है, खास तौर पर क्रीमिया के तट पर सी ड्रोन तैनात किए। अब यूक्रेन की रणनीति है कि ब्लैक सी में रूसी फ्लीट को तबाह करके क्रीमिया की घेराबंदी की जाए। अगर यूक्रेन काला सागर में अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो बाकी का काम F-16 स्क्वाड्रन का है। जो मिनटों में रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करके यूक्रेनी सैनिकों का क्रीमिया में घुसने का रास्ता तैयार कर देंगे। यूक्रेन की इस हिमाकत पर क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। क्रेमलिन ने फरमान जारी कर दिया है, अगर F-16 यूक्रेन में कब्जा किए गए इलाके के एयर स्पेस में भी देखते हैं तो उन्हें तुरंत तबाह कर दिया जाए। यहां तक कि क्रेमलिन ने F-16 फाइटर जेट पर हमले और पायलट को मार गिराने के लिए भारी इनाम भी घोषित कर दिया है। रूस का यह ऐलान यूक्रेन की क्रीमिया के पास पड़ने वाले रूसी आइलैंड तेंद्रीविस्का पर रेड के बाद किया गया। रूस ने दावा किया है कि इस हमले के लिए यूक्रेन ने सी ड्रोन के अलावा F-16 का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में रूस पलटवार जरूर करेगा, खासतौर से उन एयरबेस को निशाना बना सकता है जहां नेटो से मिले F-16 तैनात किए गए हैं। रूस यूक्रेन में आसमानी जंग का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें F-16 और SU-35 आमने सामने होंगे। और फिर होगा सबसे विध्वंसक टकराव। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दो समंदर की लहरें इस वक्त उबल रही हैं, ये उबाल महाशक्तियों में टकराव की वजह से है। ये वो ब्लू जोन है जहां रूस, चीन और अमेरिका में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, और इसका कारण बनेगा वो युद्धाभ्यास जो अमेरिका अपने चार सहयोगी देशों के साथ दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। इस बात से चीन और रूस का गुट भड़क गया है। रूस ने तो अमेरिका पर हमले के लिए बैरेंट्स सागर में बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। समंदर में किसी भी वक्त महायुद्ध का फ्रंट खुल सकता है। समुद्र में तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो सकता है। ब्लू जोन में दुनिया की तीन महाशक्तियां टकरा सकती हैं। ये वो टक्कर होगी जिसके बाद एटमी जलजला आ जाएगा। समंदर में इस महायुद्ध का कारण बनेगी दुनिया की महाशक्तियों में खेमेबाजी, महाशक्तियों में वर्चस्व की जंग। एक तरफ है अमेरिका और नेटो, तो दूसरी तरफ है रूस और चीन।
सुपर पावर के इन दो गुटों में उस वक्त तनाव बहुत बढ़ गया जब चीन के गढ़ और दुनिया के सबसे विवादित समुद्र क्षेत्र में अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ नेवल ड्रिल शुरू कर दी है। इस नेवल ड्रिल की शुरुआत तब हुई जब चीन के लड़ाकू विमान और वॉरशिप ने इसी इलाके में पेट्रोलिंग कर फिलीपींस को धमकाने की कोशिश की। चार देशों का ये नेवल अभ्यास फिलीपींस की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ये एक तरह से चीन को अमेरिका की सीधी चेतावनी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने शक्ति प्रदर्शन किया तो चीन आक्रोश से भर गया। चीन ने इस युद्धाभ्यास को उकसावे वाला अभ्यास करार दिया है। अमेरिका ने रूस के सहयोगी चीन को घेरने की कोशिश की तो पुतिन की नौसेना ने बैरेंट्स सागर में हुंकार भर दी। रूसी नौसेना ने इस वॉर एक्सरसाइज में न सिर्फ दुश्मन की सबमरीन को खोजने का अभ्यास किया बल्कि उसे समुद्र में ही डुबोने की प्रैक्टिस भी की गई। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के साथ चीन भी बैरेंट्स सागर के युद्धाभ्यास में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरे का बहुत बड़ा अलार्म होगा। पिछले महीने ही गुआम में रूस चीन की नौसेना का अमेरिकी नौसेना से आमना सामना हुआ था। इसी के बाद से रूस चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। ये वो तनाव है जो महायुद्ध का कारण बन सकता है। रूस और चीन सालों से अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने में जुटे हैं। अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन और जिनपिंग कुछ भी करने को तैयार हैं। यहां तक कि महायुद्ध भी लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन जाने के बाद भी दंगे रुक नहीं रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुलगते बंगाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुक पाएगा। अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी जमात को काबू कर पाएंगे या सिर्फ कठपुतली पीएम बनकर रह जाएंगे। सुलगते बांग्लादेश में अब यूनुस राज है। अंतरिम सरकार की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता और सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। ढाका पहुंचते ही उन्होंने वादा किया कि भरोसा रखें, अब किसी पर हमला नहीं होगा। बांग्लादेश को सुंदर देश बनाना है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बड़ी गर्मजोशी से बांग्लादेश को बदलने की हुंकार भरी, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बांग्लादेश की हकीकत दिखा रही हैं। अभी भी कई जगहों पर हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, अराजकता हावी है। ये तस्वीर बांग्लादेश से आई है जिसमें उपद्रवियों ने एक रिटायर्ड आर्मी अफसर का घर फूंक दिया। बांग्लादेश आर्मी के मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीएनपी जमात पर आगजनी का आरोप लगाया है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन कट्टरपंथी जमात के हाथों में जा पहुंचा है। सवाल उठ रहा है, क्या यूनुस जमात के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे या फिर स्वतंत्र होकर फैसले ले पाएंगे। हालांकि इस बीच बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने 3 महीने के भीतर बांग्लादेश में आम चुनाव कराने की मांग की है। खालिदा जिया 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया और 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। खालिदा जिया का कहना है कि अब सभी की प्राथमिकता समृद्ध बांग्लादेश का निर्माण करना है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वहां से आ रही तस्वीरें बता रही हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद और हुक्मरानों के बार बार शांति की अपील के बाद भी अल्पसंख्यकों के दिल से खौफ गया नहीं है, बल्कि वो बांग्लादेश छोड़कर जाना चाहते हैं।
ये दो तस्वीरें देखी। एक तरफ ढाका एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग एयरपोर्ट कर्मचारियों से बहस कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की है, जमात इस्लामी वाले कट्टरपंथियों से त्रस्त लोग बॉर्डर पर आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि अधिकतर हिंदू हैं जो भारत आना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब 1000 बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए हैं, जिन्हें भारत में घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने रोका हुआ है। मालदा के भारत बांग्लादेश सीमा से कुछ आतंकवादी घुसने की संभावना है और ऐसा ही दावा कर रहे हैं कस्टम्स और बीएसएफ। मालदा के महुदीपुर सीमांत से हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन 15 लोगों की एक लिस्ट आया है जिसमें कुछ आतंकवादी होने की संभावना है। बांग्लादेश में फैले खौफ के बीच अंतरिम सरकार अब बांग्लादेश का मुस्तकबिल तय करेगी, लेकिन सवाल उठ रहा है क्या बांग्लादेश बदल पाएगा, क्या कट्टरपंथी जमात अल्पसंख्यकों को उसी तरह जीने का हक दे पाएगा जैसा शेख हसीना के कार्यकाल में था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने इसराइल को तबाह करने की धमकी दी है, 3 टारगेट की तस्वीर जारी कर यह धमकी दी है। इसराइली परमाणु ठिकाने डिमोना को उड़ाने की घोषणा की गई है, तेल अवीव के पॉश इलाके को ध्वस्त करने की धमकी दी गई है और बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह कर देंगे, यह भी कहा गया है ईरान की तरफ से। तो ईरान की धमकी यूं ही नहीं है, ईरानी सेना ने इजरायली धरती जलाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है और ईरानी सेना ने न सिर्फ इसराइल के हमले की तैयारी कर ली है बल्कि रूस की मदद से अपनी सुरक्षा भी चाक चौबंद कर ली है। इसी तैयारी के बाद ईरान ने घोषणा कर दी है कि आधी रात को इसराइल में बहुत बड़ा जलजला आने वाला है। ईरान ने इसराइल के अंदर मौजूद अपने टारगेट भी बता दिए हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान के इस विस्फोट को इसराइल और अमेरिका रोक पाएंगे। ईरान इसराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 1। ईरानी मिलिट्री विंग IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी फार्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान 8 अगस्त को इसराइल में बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। IRGC ने हमले को लेकर पोस्टर जारी कर दिया है। ईरानी सेना आधी रात को इसराइल पर सबसे बड़ा बारूदी धावा बोल सकती है। ईरान इसराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा और उनके दोनों बेटे यरूशलम के बंकर में पहुंचने वाले हैं। नेतन्याहू ने यह कदम ईरानी हमले से खुद को और परिवार को बचाने के लिए उठाया है। ईरान इसराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। भारतीय समय अनुसार आज रात 11 बजे इजरायली कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में ईरान पर पलटवार करने का प्लान तैयार होगा। ईरान इजरायल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। 11 यूरोपीय देशों ने प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को इजरायल से निकाल लिया है। ईरान इसराइल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। ईरान ने नोटाम जारी कर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके बाद मिस्र समेत तमाम देशों की एयरलाइंस ने ईरानी एयर स्पेस में उड़ानें बंद कर दी हैं। पांच ग्लोबल ब्रेकिंग इस बात का प्रमाण है कि ईरान का हमला शुरू होने जा रहा है। ईरानी सेना की तैयारी बता रही है कि इजरायली धरती पर बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को 2 कारणों से बंद किया है, पहला इजरायल पर हमले का अभ्यास और दूसरा अभ्यास के बाद इजरायल पर हमला।
ईरानी सेना दो बड़े युद्धाभ्यास कर रही है। एक युद्धाभ्यास ईरान की सेना कर रही है तो आर्मेनिया के बॉर्डर पर ईरानी सेना और उसकी मिलिट्री विंग IRGC ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है। इन दोनों ड्रिल में बारूदी वज्रपात कर इसराइल को खत्म करने की प्रैक्टिस की जा रही है। ईरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदने की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही इजरायली पलटवार से बचने के लिए अपने सुरक्षा चक्र को भी अभेद्य बना दिया है। ईरान ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। बॉर्डर पर रूस से पहुंचे एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने सभी महत्वपूर्ण ठिकानों खासकर न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। ईरान ने न सिर्फ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है बल्कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार को अपग्रेड कर सुरक्षा के लिए डिप्लॉय कर दिया है। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने उस पर हमला किया तो उसके टारगेट पर ईरान के एटमी ठिकाने होंगे। यही वजह है कि इसराइल ने अपने सभी बड़े न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसराइल ईरान के किन परमाणु सेंटर पर विस्फोट कर सकता है, ईरान ने अपने किस न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा बढ़ाई है, आपको बताते हैं। और इस्फहान, नतांज, फोर्दो, अरक और बुशहर, ये पांच शहर हैं। इन पांच शहरों में ईरान की न्यूक्लियर साइट मौजूद है। यहां इसराइल धमाका कर सकता है, लिहाजा ईरान ने यहां पर एयर डिफेंस और रडार की तैनाती कर दी है। तेहरान, रमसार और बुनाव, इन तीन शहरों में ईरान के एटमी रिसर्च सेंटर हैं। ये भी इसराइल के टारगेट पर हैं, लिहाजा इनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और सगंद, यज्द और गाचिन, यहां ईरान के यूरेनियम माइंस है और इसराइल यहां भी हवाई हमले कर सकता है, इसलिए ईरान ने यहां की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। यह है बेलारूसी एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल आंद्रे यूलियानोविच लुकियानोविच। बेलारूसी एयरफोर्स चीफ तेहरान पहुंचे। उन्होंने ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल सईद अब्दुल रही मौसवी से मुलाकात की। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूसी हथियारों की बड़ी खेप रूस ने बेलारूस के रास्ते ईरान भेज दी है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट की मीडिया के मुताबिक बेलारूस में मौजूद रूसी परमाणु वॉरहेड की खेप बेलारूसी एयरफोर्स चीफ के साथ तेहरान पहुंचाई गई है। माना जा रहा है कि अब इसराइल और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों से वार पलटवार शुरू होने जा रहा है। दोनों देशों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो एक दूसरे की धरती को शमशान बना सकती हैं। ईरान के पास सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल है सिज्जिल। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। ये 700 किलो का पेलोड लेकर जा सकती है। वहीं इसराइल के पास है जेरिको 3 मिसाइल। ये 6500 किलोमीटर तक मार करती है, 1300 किलो पेलोड ले जाकर विस्फोट करती है। अमेरिकी रक्षा और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने दावा किया है कि अप्रैल में इसराइल को दहलाने के बाद 3 महीने के अंदर ईरान ने घातक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैयार कर लिए हैं। ईरान इसी मिसाइल लॉन्चर से इसराइल पर बैलिस्टिक हमला कर सकता है। उधर हमास के नए चीफ याहया सिनवार को ईरान का समर्थन मिल गया है। IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने सिनवार को बधाई देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि याहया सिनवार के नेतृत्व में ही इसराइल का वजूद खत्म होगा। ईरानी हमले को नाकाम करने के लिए इसराइल की तैयारियां तेज हैं।
इसी सिलसिले में आईडीएफ चीफ हरजी हवेली तेल नोफ के एयरफोर्स बेस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि आईडीएफ मिडिल ईस्ट में कहीं भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल पर हमला ईरान के अंत का कारण बनेगा। इसराइल की अपनी तैयारी है तो इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने इसराइल के आसपास 45,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। जाहिर है ईरान पर हमला हुआ तो अरब में परमाणु विनाश का सबसे बड़ा गेट खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।